आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किस प्रकार से आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप उज्ज्वला योजना में फ्री LPG सिलेंडर जो है आप प्राप्त करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में क्या बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उस खबर की ओर। तो दोस्तों उज्ज्वला स्कीम के ग्राहकों को मिल सकती है बड़ी राहत, फ्री में खरीद सकेंगे LPG सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत ही बड़ी घोषणा यहाँ पे कर दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन मिलने वाले ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियाँ यानी कि EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले एक साल तक बढ़ा सकती है, जो साल इस साल जुलाई 2020 में यह ख़त्म हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगले एक साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को जो LPG सिलेंडर है वो फ्री में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों उनकी जो EMI की जो राशि है वो तेल कंपनियों को देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत एक प्रावधान है जिसमें जब आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव गैस यानी जो स्टोव चूल्हा आता है उसके साथ आपको 3200 रुपये की देनी होती है, जिसमें 1600 रुपये की सब्सिडी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से दी जाती है और बाकी के 1600 रुपये की रकम जो है वो तेल कंपनियों द्वारा सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से 100% सब्सिडी जो है दी जाती है, लेकिन ग्राहकों को EMI के रूप में 1600 रुपये की राशि जो है तेल कंपनियों को चुकाना होता है। EMI का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ग्राहक को अलग से राशि तेल कंपनियों को देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप LPG सिलेंडर को रिफिल कराने जाते हैं और उस जो सब्सिडी की जो रकम है आपके खाते में DBT के जरिए पहुँचा दी जाती है, वो आपके खाते में ना आकर तेल कंपनियों को दी जाती है। यह तब तक दी जाती है जब तक 1600 रुपये की रकम आप कंप्लीट चुकाना दे। एक बार यह चुका देने के बाद आपको सब्सिडी की रकम 100% मिलने लगती है। 14 किलो के पहले 6 सिलेंडर पर EMI नहीं ली जाती, इससे उज्ज्वला ग्राहकों पर आर्थिक बोझ आ रहा था। जो रिफिल रेट उससे ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हो नज़र आ रही थी, इसी के मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश पर तेल कंपनियों द्वारा EMI डिपार्टमेंट स्कीम की शुरुआत की गई। इसमें एक साल में ग्राहकों को 14 किलो का सिलेंडर लेते हैं तो 6 सिलेंडर पर EMI देने की ज़रूरत नहीं होती, 7वें सिलेंडर पर उनको EMI देने की आवश्यकता होती है। इसी तरह 5 किलो के सिलेंडर खरीदने पर भी 17 सिलेंडर तक आपको EMI नहीं देनी होती है, 18वें सिलेंडर खरीदने पर आपको EMI देने की ज़रूरत पड़ती है। EMI नहीं लेने से ग्राहकों को सब्सिडी रेट पर सिलेंडर मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों के स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अगस्त 2019 के बाद कनेक्शन लेने वालों को यह फ़ायदा जो है मिलेगा। अब कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ PMUI के तहत गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए BPL परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको KYC फॉर्म भरकर नज़दीकी LPG केंद्र पर जमा कराना होगा। PMUI के आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म जरूरी है। जरूरी दस्तावेज नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, इन सभी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। आवेदन करते समय आपको यह भी बताना होगा कि आप 14.2 किलो का सिलेंडर लेना चाह रहे हैं या 5 KG वाला सिलेंडर आप लेना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको PMUMY का आवेदन पत्र आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप नज़दीकी LPG केंद्र पर आवेदन फॉर्म ले जाकर उसे जमा करा सकते हैं। जमा कराने के साथ साथ आपको क्या क्या दस्तावेज इसके साथ ज़रूरी जमा कराने हैं, तो आपको बता दें पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL कार्ड, BPL राशन कार्ड, फोटो ID यानी कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड कोई सा भी आप इसमें लगा सकते हैं, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजस्टेड अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व घोषणा पत्र, LIC पॉलिसी या बैंक स्टेटमेंट, BPL सूची का नाम का प्रिंट आउट, ये सभी दस्तावेज आपको इसके साथ लगाने आवश्यक हैं, तभी आप जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ ले सकते हैं।
तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, जो भी समस्या आ रही है उसका जल्द ही मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से आंसर दूंगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको, मेरे को नहीं पता किसी भी तरीके से आप उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से गवर्नमेंट की जो भी प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पे दी जाती है। तो आप बेझिझक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, आप लोगों ने बखूबी इसे कम्प्लीट करवाया है तो इस वीडियो में भी आप जरूर कम्प्लीट कराएंगे।